हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7 का हिस्ट्री के चैप्टर 1 के एमसीक्यूज। व्यूवर्स, ऐसी ही दूसरी वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया जाएगा और वीडियो के एंड में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड पेपर बिकेम द चीफ राइटिंग मटेरियल इन इंडिया? ऑप्शंस आर मॉडर्न पीरियड ऑफ हिस्ट्री और अर्ली मिडिवल पीरियड ऑफ हिस्ट्री और लेट मिडिवल पीरियड ऑफ हिस्ट्री। आंसर इज लेट मिडिवल पीरियड ऑफ हिस्ट्री। अबाउट 13th सेंचुरी, 12th 13th सेंचुरी में इंडिया के अंदर आया था, पेपर पॉपुलर हुआ था इंडिया के अंदर, और उसके बाद जितने भी इंस्क्रिप्शंस थे, फिर वो जितने भी राइटिंग्स थे वो पेपर के ऊपर लिखे जाने लगे थे। पहले प्रिंटिंग मशीन्स नहीं थी, तो जो स्क्राइब्स थे वो बाय हैंड ही कॉपी किया करते थे मैन्यूस्क्रिप्ट्स को पेपर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अल इदरीसीज मैप श्रीलंका इज लोकेटेड एट? ऑप्शंस आर साउथ ऑफ इंडिया और टॉप ऑफ इंडिया और वेस्ट साइड ऑफ इंडिया। आंसर इज टॉप ऑफ इंडिया, इंडिया के टॉप साइड में श्रीलंका को दिखाया गया है। जो अल इदरीसी का जो मैप है, उसमें जो श्रीलंका है वो इस तरह से बनाया गया है कि वो ऐसा लगता है कि इंडिया के टॉप के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स changed considerably over the years because? options are different languages or grammar and vocabulary or not only grammar, language and vocabulary but also meaning of the words changes over time. answer is not only grammar, language and vocabulary but also meaning of words changes over time. जैसे जैसे change होता है time में, वैसे वैसे वर्ड्स के मीनिंग चेंज हो जाते हैं, और जब स्क्राइब्स अपने ट्रांसलेट कर रहे होते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स को, राइटिंग्स को, तो उनकी अपने जो फीलिंग्स होते हैं वो भी उसके अंदर आते हैं, तो वर्ड्स का हेर फेर हो जाता है, सेंटेंसेस का में बदलाव आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो ओरिजिनल जो होते हैं उससे काफी डिफर कर जाते हैं, उनके जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसलेशन है उनमें उनके मीनिंग अलग अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर्जन्स ऑफ द सेम टेक्स्ट टू? ऑप्शंस आर गेट मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन और टू गेस व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन और लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस। आंसर इज गेस व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन। क्योंकि टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में जब ट्रांसलेशन होती है तो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स जो है वो चेंज हो जाते हैं, तो जो मीनिंग्स हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग हो जाते हैं, तो ओरिजिनल टेक्स्ट को जांचने के लिए ओरिजिनली ऑथर ने क्या लिखा है हिस्ट्री के बारे में, उसके बारे में पता करने के लिए जो हिस्टोरियंस हैं डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उनको पढ़ते हैं, ताकि वो ये पता लगा सके कि ओरिजिनली ऑथर ने क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टाइम रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन? ऑप्शंस आर सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स और बोथ वन एंड टू। आंसर इज बोथ वन एंड टू। टाइम के साथ साथ क्या क्या चेंज होता है? सोशल चेंजेस होते हैं, सोशल चेंजेस होते हैं मींस कि लोगों के रहन सहन में, रिलीजन में चेंजेस आते हैं, कस्टम्स चेंज होते हैं लोगों के, ठीक है ना, और साथ साथ क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस चेंज होते हैं, इकोनॉमिक, जैसे कि जो अर्ली मैन था वो हंटर था, इधर उधर घूमता रहता था अपने लिविंग के लिए, लेकिन फिर धीरे धीरे चेंजेस आए टाइम के साथ में, व्हील का इन्वेंशन हुआ, फायर इन्वेंट हुई, तो धीरे धीरे जब ये सब चीज़ें डिस्कवर हुई तो धीरे धीरे जो
ग्रुप्स थे वो सेटल डाउन होने लगे, एग्रीकल्चर वर्क करना शुरू किया। तो इस तरह से धीरे धीरे सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस आए, और साथ ही साथ में क्या हुआ कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज भी हुए। एक ग्रुप के लोग दूसरे ग्रुप के लोगों से मिलने लगे, तो उनके जो बिलीफ थे, उनके जो आइडियाज थे, वो ट्रांसफॉर्म हुए। जैसे 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 लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू किया, दूर जगहों पर जाना आना शुरू किया, तो लोगों के जो अलग अलग रिलीजन के जो लोग थे, उन्होंने अपने अपने आइडियाज शेयर करे। तो इस तरह से आइडियाज और बिलीफ भी शेयर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइडिया बिहाइंड द डिवीजन ऑफ इंडियन हिस्ट्री इंटू हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड बाय ब्रिटिशर्स वॉज। ऑप्शंस आर दैट द रिलीजन ऑफ रूलर वॉज द ओनली इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज, और सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू टू रिलीजन्स, और टू ग्लोरीफाई ब्रिटिश पीरियड। आंसर इज दैट द रिलीजन ऑफ रूलर्स वॉज द ओनली इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज एट दैट टाइम। उस समय क्या था कि जो रिलीजन राजा का होगा वही रिलीजन प्रमोट किया जाता था, उसी रिलीजन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। तो जो ब्रिटिशर्स का मानना था वो ये था कि उस समय में सिर्फ दो ही धर्म के लोग ज़्यादातर थे, क्योंकि दो तरह के राजा थे, या तो हिंदू राजा हुआ करते थे या मुस्लिम राजा हुआ करते थे। जब मुगल एम्पायर बना तो हिंदू और मुस्लिम में ही पूरी सोसाइटी डिवाइडेड है, और इसीलिए हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड में हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म यूज टू एक्सप्रेस एक्सट्रीम वैलर एंड ग्रेट सेंस ऑफ लॉयलिटी इन बिटवीन 8th एंड 14th सेंचुरी वॉज। ऑप्शंस आर जट्स, सिख्स और राजपूत। आंसर इज राजपूत। राजपूत वर्ड जो था वो एक्सट्रीम वैलर और ग्रेट सेंस ऑफ लॉयलिटी को दर्शाता था। राजपूत उन्हें कहा जाता था जो कि क्षत्रिय होते थे, सोल्जर होते थे, जो बहुत ही बहादुर होते थे, लॉयल होते थे, उन लोगों के लिए राजपूत वर्ड यूज किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मिडिवल पीरियड ब्राह्मणास गॉट लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड बिकेम डोमिनेंट ग्रुप इन द सोसाइटी बिकॉज ऑफ। ऑप्शंस आर देयर डिवोशन इन गॉड, और द नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट, और सुपर नेचुरल पावर्स दैट दे पजेस। आंसर इज देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट। उस समय में जो संस्कृत लैंग्वेज थी वो सिर्फ ब्राह्मणास के पास हुआ करती थी, ब्राह्मण लोगों को ही पढ़ाई जाती थी, ब्राह्मण लोग ही संस्कृत लैंग्वेज को पढ़ लिख सकते थे। तो इसलिए जो ब्राह्मण ग्रुप था सोसाइटी का बहुत ही ज्यादा प्रेस्टीजियस ग्रुप माना जाता था, और ज्यादातर राइटिंग्स भी संस्कृत लैंग्वेज में लिखी जाती थी। तो जो राजा लोग होते थे वो भी ब्राह्मणास को बहुत मान सम्मान दिया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीचिंग्स ऑफ होली कुरान केम टू इंडिया इन। ऑप्शंस आर 7th सेंचुरी, 13th सेंचुरी और 17th सेंचुरी। आंसर इज 7th सेंचुरी। कुरान की जो टीचिंग्स थी वो 7th सेंचुरी में आई, जब लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह आना जाना शुरू किया, दूर दूर की लोगों ने आना जाना शुरू किया, मोबिलिटी बढ़ी। उस समय में जो था लोगों ने अपने बिलीफ और आइडियाज को चेंज करना, एक्सचेंज करना शुरू किया, और उसी ड्यूरेशन में भारत में जो कुरान की टीचिंग्स थी वो आई। लोगों ने कुरान के बारे में भारत के लोगों को बताया। तो ये मिडीवल पीरियड था जिस समय में मोबिलिटी बढ़ी और लोग दूर दूर के एरियाज में विजिट करना शुरू किया और अपने आइडियाज को शेयर करना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइडिया ऑफ भक्ति वॉज इमर्स्ड इन। ऑप्शंस आर एंशियंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री, और मिडीवल पीरियड ऑफ हिस्ट्री, और मॉडर्न पीरियड ऑफ हिस्ट्री। आंसर इज मिडीवल पीरियड ऑफ हिस्ट्री। भक्ति का आइडिया भी मिडीवल पीरियड में ही इमर्ज हुआ, क्योंकि उस समय में ही पेपर पॉपुलर हुआ, डिफरेंट डिफरेंट जो लैंग्वेजेस थी, जो रीजनल लैंग्वेजेस थी, कॉमन पीपल के पढ़ने के लायक जो लैंग्वेजेस थी, उनके अंदर
बुक्स जो थी वो जो राइटिंग्स थी वो लिखी जाने लगी ताकि कॉमन पीपल उनको पढ़ सके। लोकल लैंग्वेजेस में स्क्रिप्चर्स बनने शुरू हुए, तो उससे लोगों के बीच में इन सब चीजों का बढ़ा इन सब चीजों को बढ़ावा मिला और लोगों के अंदर जो भक्ति की जो फीलिंग थी वो डेवलप हुई। और क्योंकि मोबिलिटी बढ़ी, लोग एक जगह से दूसरी जगह आने जाने लगे, तो उन्होंने अपने आइडियाज को भी शेयर किया, तो इन सब चीजों का बहुत इफेक्ट पड़ा मिडिवल पीरियड में। और जो मिडिवल पीरियड था उसमें भक्ति का, सूफी संतों का, इनका बहुत महत्व बना। क्लियर? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।